Hello everyone, welcome to the Brain Gain. If you are new here, then subscribe to our channel for IGNU related updates. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021. As we know, June term and examination 2021 postponed हो चुके हैं जो 15th June से स्टार्ट होने वाले थे. Confirmed dates IGNU अनाउंस करेगा सून ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट, बट ऑन 17 जून 2021 एग्जाम फॉर्म एक्टिवेट कर दिए गए हैं. एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि ये फॉर्म भरने के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं. व्हाट अबाउट द प्रमोटेड स्टूडेंट्स? तो ये जानने के लिए कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. नाउ सो विदाउट एनी कन्फ्यूजन कि कौन फॉर्म भर सकते हैं और कौन नहीं, उसके लिए आप वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म भरें. वहाँ यू विल फिल योर डिटेल्स एंड आपको अगर ये नोटिफिकेशन आता है दैट नो वैलिड कोर्सेज फाउंड, दैट मीन्स आपको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम ऑफ जून 2021. ये फॉर्म सिर्फ जुलाई सेशन वालों के लिए है जो ईयरली वाइज एग्ज़ाम देते हैं. अगर आप एलिजिबल हो एग्ज़ाम देने के लिए एंड स्टिल ये नोटिफिकेशन आता है, देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट और ईमेल द रजिस्ट्रार SRD, जो इस ईमेल एड्रेस पे आपको ये ईमेल करना होगा, जिसका सैम्पल मेल मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ यू विल हैव टू सिलेक्ट योर एग्जाम सेंटर वाइजली. यहाँ आप एड्रेस चेक करेंगे, आपके घर के पास वाले एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करें और ये भी चेक करें कि क्या कोई सीट्स अवेलेबल हैं उस एग्जाम सेंटर में या नहीं. नाउ एट लास्ट about the promoted students of 2020 session. So according to the IGNU's notification on 16 December 2020, जिन students ने exam fees submit की थी last year and promote किए गए थे, उनकी exam fees June 2021 में adjust कर दी जाएगी. But ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कोई भी update इस exam form में नहीं हुआ है for promoted students. एंड अगर आप exam fee अभी भर देते हैं तो ये बाद में refund नहीं होंगे as stated by IGNU in their latest update. So promoted students kindly wait and contact the registrar SRD to clear this confusion and then only proceed to fill the form. I hope this video was helpful to you. If you still have queries, then please feel free to use the comment section down below. Thank you so much.